कांग्रेस के अधिकतर विधायकों ने तो शिमला में अपने घर बना लिए हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक शिमला में अपना घर बनाने से छूट गए हों, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने विधायकों व पूर्व विधायकों को एडजस्ट करने के लिए पिछले कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ग के लोगों की लीज या पट्टे पर सरकारी जमीन देने के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। भाजपा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही कांग्रेस सरकार द्वारा इस बारे में भाजपा से कोई चर्चा की गई है। ये शब्द भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो भाजपा इस बारे में उचित निर्णय लेगी। फिलहाल तो ये निर्णय कांग्रेस का है और इस बारे में ज्यादा जवाबदेही उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये जानकारी मीडिया से मिली है और कांग्रेस सरकार को जनता के हित में निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन जाते जाते कांग्रेस सरकार जो बंदरबाट में लगी हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लोगों ने मैक्सिमम ने तो शिमला में मकान बना लिए, बहुत साल पहले से लिए हैं। हमें भी 15-20 साल हो गए एमएलए बने हुए, प्रवीण जी भी 15 साल पहले बने थे, ठाकुर साहब 20 साल से, मैं 15 साल से। हो जाता कांग्रेस के कुछ लोग रह गए होंगे, उनको एडजस्ट करना होगा। हमें तो कोई पता नहीं है ना, हमसे सलाह रही है। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इसमें निर्णय लेंगे। जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है मुझे लगता है ज्यादा जवाबदेही उन्हीं की बनती है। हमारे को तो कोई जानकारी मीडिया से मिली है, जनता के हित के निर्णय लेने चाहिए। उसमें आप जाते जाते इस तरह के बंदरवाट में जो लगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने चुनावी बयान में प्रदेश के विधायकों व पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ग के लोगों को लीज पर जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की है। सत्ती ने कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को प्रदेश की सत्ता से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 22 सितंबर को कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में युवा हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और प्रदेश में चल रही युवा विरोधी माफिया राज व भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेगी और प्रदेश में भाजपा के चुनावी अभियान को गति प्रदान करेगी। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने युवाओं से रोजगार उपलब्ध करवाने का वायदा किया था, लेकिन आज सभी वर्गों में बैकडोर एंट्री करके कांग्रेस सरकार युवाओं को ठेंगा दिखा रही है। सरकारी नौकरियों में केवल मुख्यमंत्री पर प्रभावशाली मंत्रियों के चहेतों को ही नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां कर रही है। सत्य ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ उसी जगह के लोग बुद्धिमान हैं, बाकी जगह के नहीं। कोर्ट को लगा कि बैकडोर एंट्रियां हो रही हैं और माननीय कोर्ट को ये लगा कि इसमें बैच सिस्टम को, रिजर्वेशन सिस्टम को, मेरिट सिस्टम को इग्नोर किया जा रहा है। अपने लोकल रूल्स बना करके आजकल इन दिनों में हर डिपार्टमेंट की पोस्टें निकली हुई हैं, आप लोग देखते होंगे। रोज कोई ना कोई टेस्ट, रोज कोई ना कोई इंटरव्यू, वो चाहे डीसी ऑफिस में है, वीडियो ब्लॉग में है, या उसके साथ साथ बैंक्स का है, या उनके साथ साथ आपके अन्य जितने भी संस्थान हिमाचल प्रदेश के हैं, और उसमें भी डट करके हेराफेरी हो रही है। शिमला सेक्रेटरिएट में लगभग 80 पोस्टें फ्लास करके ऐसा एक पद रहता है, उनकी निकली। उन 80 में से कुछ एक जिले तो ऐसे हैं जहां से एक दो व्यक्ति लगे, और शिमला जिला से 39 लोग उसमें लगे, यानी कांगड़ा के शायद 2 या 3 व्यक्ति उसमें से लगे। यानी इस तरह का हेराफेरी, बैकडोर एंट्री हो रही है कि जिस जिले का प्रभावशाली मंत्री है या जिस विभाग की नौकरी निकल रही है, उस विभाग के मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी वहां ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पैदा हुए हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच जो मेरिट वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उन लोगों की भी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही है। यानी इस गवर्नमेंट ने युवाओं को 5 साल में ठगा है। उसी के विरोध में जो रैली भारतीय जनता पार्टी 22 सितंबर को कर रही है और युवाओं को जगाने के लिए और युवाओं को इस सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल में अभियान इस सरकार को हटाने के लिए चलाया है।